हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड दोस्तों ये अपडेट होगा। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे जो कि 28th नंबर का बिहार जुडिशरी 2014 में पेपर हुआ था जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, उसी पेपर के बारे में साथियों आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन 2014 के पेपर में आया था बिहार जुडिशरी में। तो दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैंने पेपर आज लिया है ये 28th बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 का, ये मीन्स कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर है। और साथियों ये जो पेपर आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ ये लॉ से रिलेटेड पेपर है, इसी लॉ के पेपर को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो साथियों देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरलिज्म। अब इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका को दुसदनीय बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, इसी के द्वारा क्या किया गया था, बाई कैमरलिज्म का व्यवस्था दिया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा बताया गया था कि जो हमारा जो सदन होगा वो द्विसदनीय होगा, और ये व्यवस्था 1919 के एक्ट से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम साथियों बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड टू प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। अब हिंदी में इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि हिंदी में क्या कह रहा है। काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि हिंदी में भी कराया जाए और इंग्लिश में, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कह रहा है हिंदी में, निम्नलिखित में से किसका दे भारत के लिए एक संघीय ढांचा उपलब्ध कराना था। तो साथियों ये किसका ध्येय था, किसका लक्ष्य था। तो साथियों ये जो लक्ष्य था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये मीन्स कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये लक्ष्य था कि जो ध्येय किस चीज़ का था, जो संघीय ढांचा को अपनाया जाए, यही इसका लक्ष्य था। और ये लक्ष्य था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये लक्ष्य को पूरा किया गया था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है साथियों बिहार जुडिशियर से रिलेटेड, तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है, वेन वॉज मैग्ना कार्टा ग्रांटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत किया गया था, मीन्स कि जो मैग्ना कार्टा बना था ये मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड में कब स्वीकृत किया गया था। तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा को स्वीकृत किया गया था। दोस्तों जब हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो मैग्ना कार्टा क्या होता है, एक बिल ऑफ राइट्स वहाँ पर दिया गया था और उसी के अकॉर्डिंग मैग्ना कार्टा को यहाँ पर लागू किया गया था। मैग्ना कार्टा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसको कह सकते हैं, तो साथियों अगर मैग्ना कार्टा की बात आती है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट थर्ड को, मीन्स कि जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, एक मैग्ना कार्टा के तरफ से काम करता है। और उसी मैग्ना कार्टा के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। और ये कब आया था सिंपली पूछ रहा है, तो ये 1215 ईस्वी में क्या किया गया था, मैग्ना कार्टा को लाया गया था। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड मैंने बता दिया कि जो पार्ट थर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, उसी को हम लोग मैग्ना कार्टा, अगर भारत के लिए कहा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन है तो उसी को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, ब्रिटेन का संविधान संविधानों की जननी है, ब्रिटिश संसदों की जननी है, उपरोक्त कथन किसका है। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ पार्लियामेंट, ये द्वारा ये किसके द्वारा कहा गया है। तो साथियों ये जो कहा गया है ये मुनरो साहब थे, मुनरो साहब के द्वारा ये बात कही गई है और इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि ये जो संविधान है वो जननी है, किसकी जननी है। तो ये कथन पूछा गया किसके द्वारा कहा गया है, तो ये मुनरो साहब के द्वारा ये कथन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की साथियों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मीन्स कि ए बी सी डी चार कथन दिया गया है, इन चारों कथन में से कौन सा कथन इसमें गलत है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो 5 का आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपका ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क किया जाएगा, मीन्स कि यही कथन जो है गलत है। और गलत कथन कैसे है, परंपराएं निश्चित और स्पष्ट होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, आर सर्टेन एंड क्लियर होते हैं, ठीक, तो ये बात नहीं हो सकती है। ये जो ए वाला बात कर रहा है ये गलत बात कर रहा है, इस तरह से नहीं हो सकती। जो प्रथाएं होती हैं, जो परंपराएं अलिखित तो होती हैं, पहला बी वाला यहाँ पे सही हो रहा है। सी वाला क्या कर रहा है, परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती है, मीन्स कि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अगर किसी का परंपरा वहाँ पर इजाज़त देता है, कस्टम होता है, ट्रेडर्स होता है, यूजर्स होता है, तो इसमें न्यायालय अपने हस्तक्षेप नहीं करता है। और जो डी वाले में कह रहा है, परंपराओं का जन्म
संयोगवश होता है, मीन्स कि संयोगवश होता है कि मीन्स कि कोई चीज़ चलता रहता है उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि परंपरा वहाँ पे जन्म ले लेती है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश संविधान के मुख्य प्रमुख स्रोत हैं। अब इसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से ब्रिटिश संविधान के कौन सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो दोस्तों जो कन्वेंशंस होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, यही को प्रमुख स्रोत माना जाएगा। कहाँ पे? जो ब्रिटिश का संविधान होता है उसी का इसका मुख्य स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों आप ऑब्जर्व करते हुए चल रहे होंगे कि बिहार जुडिशरी में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ऑब्जर्व करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बिहार जुडिशरी का पेपर देने जाते हैं। तो यहाँ पे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, ब्रिटिश संविधान की शब्दावली में अनेक सूक्ष्म भेद हैं लेकिन इनमें से कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सम्राट और राज मुकुट का भेद है। इतना भी मीन्स कि जितना भी सम्राट और राज मुकुट का भेद है, उपरोक्त कथन किसका है। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखिए, देयर आर मेनी सब टाइटल्स की बात करता है, सब टाइटल्स डिस्टिंक्शंस इन द वर्नाकुलर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉन मोर वाइटल देन द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द किंग एंड द क्राउन। तो ये बात किसके द्वारा कहा गया था, सेवंथ का? तो जो ये बात कहा गया था ग्लैडस्टोन साहब के द्वारा, ये बात कही गई थी, मीन्स कि जो ग्लैडस्टोन साहब थे इन्हीं के द्वारा ये बात कही गई थी, मीन्स कि राजा के बारे में और राज मुकुट के बारे में इन्हीं से एक द्वारा ये बात कहा गया था। तो आप ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ पे है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे इनके द्वारा आस्क किया जा रहा है हमारे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों, द टू हाउसेज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट आर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की दो हाउसेज हैं, मीन्स कि ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, उन सदन का क्या नाम है, उस सदन के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे साथियों जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोगों को पता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना है, एक को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और एक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, मीन्स कि हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसका जो होगा करेक्ट आंसर, इसका यही मार्क किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं साथियों, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड वीटो पावर हैज़ लास्टली यूज्ड बाय द किंग इन, मीन्स कि जो वीटो पावर का होता है, जो मना करने का जो निषेधाधिकार की शक्ति है, इसको लास्टली मीन्स कि अंतिम बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो साथियों इसको जो अंतिम बार इस्तेमाल किया गया था वो 1707 ईस्वी में इसको इस्तेमाल किया गया था, किसको, वीटो पावर का। हिंदी में क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में राजा द्वारा वीटो पावर का आखिरी बार प्रयोग किया गया था, कब किया गया था साथियों, तो ये 1707 ईस्वी के अंतर्गत ये पावर का इस्तेमाल किया गया था वहाँ के राजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इन इंग्लैंड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द, जो वहाँ के जो वहाँ की राजा सरकार होती हैं उसको क्या कहा जाता है, मीन्स कि इंग्लैंड में सरकार को क्या कहा जाता है। तो साथियों जो इंग्लैंड में सरकार को कहा जाता है वहाँ पे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ द किंग, वहाँ पे राजा का सरकार चलता है, मीन्स कि राजा का सरकार चलता है। कभी भी हम लोग कोई केस लॉ, पुराना अगर केस लॉ देखते हैं तो तो रेक्स वर्सेस गोविंदा हम लोग देखते हैं, जैसे मीन्स कि रेक्स का मतलब होता है राजा से वो तात्पर्य होता है, तो वहाँ पे किसकी सरकार चलती है, तो साथियों वहाँ पे राजा की सरकार चलती है, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे द मदर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट इज, मीन्स कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी है। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी किसको कहा जा सकता है साथियों, तो जो ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल की जननी है उसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से इसको जाना जाता है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखिए 12 में क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बात कर रहा है, कह रहा है कैबिनेट इज द सोल ऑर्बिटल अराउंड विच अदर बॉडीज रिवॉल्व एंड दैट इज द थ्री फोल्ड थिंग दैट कनेक्टेड टूगेदर फॉर एक्शन द किंग द लॉर्ड्स एंड द कॉमन्स, मीन्स कि ये तीनों लोग क्या होते हैं, एक साथ कनेक्टेड होते हैं, इन्हीं तीनों लोगों के बारे में बात कर रहा है। अब हिंदी में इसी क्वेश्चन को देखिए साथियों, क्या कह रहा है, मीन्स कि कह रहा है मंत्रिमंडल एक सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं और यह ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट लॉर्ड तथा सभा में कॉमन सभा को मिलता है। उपरोक्त में तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, इस प्रकार का जो बात कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भी बात जो दोस्तों कहा गया है वो ग्लैडस्टोन साहब के द्वारा ही किया गया है और ये यहाँ पे क्वेश्चन में इनके पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मीन्स कि ये जो चारों स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है कि पहले ये कहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, पहले ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात कर रहा है। और जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करता है और हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करता है तो हम डायरेक्ट ब्रिटेन चले जाएंगे और ब्रिटेन के बारे में ये बात कर रहा है, यही स्टेटमेंट इससे करेक्ट नहीं मैच कर रहा है। जो सेकेंड ऑप्शन इसका दे रहा है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन नॉट डिटेंड मनी बिल फॉर मोर देन वन मंथ, वो एक महीने से ज़्यादा मनी बिल को मंथ डिटेंड करके नहीं रख सकता, अपने पास नहीं रख सकता है। जैसे कि भारत में क्या हो जाता है, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष को तय करने का अधिकार होता है कि वो तय करेंगे कि कौन सा बिल जो होता है वो मनी बिल होता है, कौन सा बिल होता है जो धन विधेयक होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है। और जैसे यहाँ पे राज्यसभा होती है, राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो 14 दिन से ज़्यादा किसी भी मनी बिल को वो क्या कर सकती है, अपने पास रख सकती है। एज यूजुअल यहाँ पे कितना टाइम दिया गया है, यहाँ पे वन मंथ का टाइम इनके द्वारा दिया गया है कि एक महीने से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, मनी बिल को डिटेन करके नहीं रख सकते हैं। जो यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहा है साथियों, इसमें कह रहा है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स डिसाइडेड विच बिल इज मनी बिल। अब यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है कि किस बिल को हम लोग मनी बिल के रूप में हम लोग मानते हैं, किसको मानते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन इसका दे रहा है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द हायर कोर्ट ऑफ अपील, ये हायर कोर्ट होता है किस चीज़ का, अपील का। तो इसी के बारे में ये बात कर रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, जो नहीं मैच कर रहा है वो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, धन विधेयक सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत किया जाता है, ये बात सरासर गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ब्रिटेन में यह परंपरा है कि, अब किस प्रकार की परंपरा है ब्रिटेन में, क्या परंपरा है, इट इज कन्वेंशन इन ब्रिटेन दैट, क्या परंपरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 14 का, ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बी वाले में क्या कर रहा है, द प्राइम मिनिस्टर विल बी फॉर्म हाउस ऑफ कॉमन, मींस कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा, जो प्रधानमंत्री होगा वो मींस कि हाउस ऑफ कॉमन्स का ही प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री वहाँ पर बनेगा वो हाउस ऑफ कॉमन का ही होना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, ब्रिटिश संविधान में सबसे शीर्ष न्यायालय कहलाता है, सबसे जो ऊपर का न्यायालय कहलाता है उसको क्या कहा जाता है, द हाईएस्ट कोर्ट इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, अब उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है और उसको सर्वोच्च न्यायालय हम लोग कहते हैं। अपने अभी भारत में सबसे जो बड़ा कोर्ट है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी इंग्लैंड में भी सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डेलीगेट्स नॉन पोटेट्स डेलीगेसिया, डेलीगेरा का अर्थ है, मीन्स कि ये लैटिन वर्ड दे दिया और इसी लैटिन वर्ड के बारे में हमसे पूछ रहा है, डेलीगेट्स नॉन पोस्टेट्स डेलीगरम मीन्स इसका मतलब क्या होता है। तो साथियों अगर 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, एक प्रत्यायुक्त आगे फिर शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, उसी के बारे में बात करता है, ए डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड हिज पावर, मीन्स कि जो एक किसी को अगर आदेश दे दिया गया है किसी चीज़ को करने के लिए तो वही व्यक्ति बार बार अपने अधिकार को नहीं कर सकता है, मीन्स कि वो दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता, अथॉरिटी को दूसरे को नहीं कह सकता कि नहीं अब आप काम ये आपको करना है, इस प्रकार का वहाँ पे ये इस प्रकार की अथॉरिटी नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्टियल लॉ, मीन्स कि जो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ लागू होने पर साथियों क्या होता है, कौन लागू कर सकता है। तो जो 17 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट राइट ऑफ सिटीजन्स आर सस्पेंडेड, जो इंपॉर्टेंट नागरिक के जो अधिकार होते हैं मार्शल लॉ लागू होने के बाद उसको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, समाप्त कर दिया जा सकता है। तो वही बात कर रहा है, मार्शल लॉ लागू होने पर क्या होता है, नागरिकों के मुख्य अधिकार का निलंबन किया जाता है, और ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 में साथियों कह रहा है, इन ब्रिटेन हु एमोंग द फॉलोइंग मेक्स शैडो कैबिनेट, जो शैडो कैबिनेट बनाता है ब्रिटेन में, छाया मंत्रिमंडल इनमें से कौन बनाता है। तो 18 का जो आपका करेक्ट आंसर मार्क होगा साथियों ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा, विरोधी पार्टी के जो नेता होते हैं वही इसका क्या करते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होते हैं इन्हीं के द्वारा शैडो कैबिनेट का निर्माण किया जाता है और उसी शैडो कैबिनेट के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, इन इंग्लैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जो रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था,
तो साथियों आप सभी को पता है कि प्रोफेसर एबी डाइसी जी के द्वारा ये क्या किया गया था, रूल ऑफ लॉ को प्रोपाउंड किया गया था। तो यही पूछ रहा है विधि शास्त्र को इंग्लैंड में इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रोफेसर डाइसी जी के द्वारा किया गया था और उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स, जो राइट होता है हैबियस कॉर्पस का इसका मतलब क्या होता है। तो 20 का जो आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन इल्लीगल डिटेंड बिफोर द कोर्ट मीन्स कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो अगर इल्लीगल वो हो जाएगा कब, जब आप 24 घंटे के अंदर किसको उसको अगर कोर्ट के सामने मीन्स कि किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर रहे हैं तो ये जो अरेस्ट होता है वो क्या हो जाएगा, वो अरेस्ट को इल्लीगल बना दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि वो बंदी प्रतिचीकरण याचिका का अर्थ यही है कि किसी को भी अवैध रूप से आपको गिरफ्तार करके रखने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं, अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज, मैरिज जो होता है हिंदू लॉ में मैरिज क्या होता है। साथियों आप सभी को पता है हमारे समाज में दो प्रकार के मैरिज का ज़्यादा महत्व होता है, एक इस्लामिक मैरिज लॉ मीन्स कि जिसको मुस्लिम लॉ हम लोग कहते हैं और एक हिंदू लॉ होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हिंदू लॉ होता है दोस्तों ये क्या होता है, तो जो हिंदू लॉ होता है ये एक सेक्रामेंट होता है, ये एक संस्कार होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे हाथ में तो मुस्लिम लॉ क्या होता है, तो साथियों जो मुस्लिम लॉ होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये बात मैं अपने जुबान से नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं जस्टिस महमूद साहब। अब महमूद साहब के द्वारा ही बताया गया है कि जो मुस्लिम की शादी होती है साहब वो क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो हिंदू की शादी होती है वो एक सेक्रामेंट होती है। तो आप लोगों को ये बातें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमॉन्ग द हिंदूज एंड हैज़ कोडिफाइड अंडर द, इसको लॉ को हिंदू विवाह संबंधी विधि को संहिताबद्ध किया गया था। तो साथियों आप सभी को पता है कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके द्वारा क्या किया गया था, हिंदू मैरिज एक्ट को पारित किया गया था, उन्हीं के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। और ये कब पारित किया गया था, 1955 में पारित किया गया था, और इसमें योगदान किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कैसे कोई भूल सकता है, जो कि शिल्पी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उनका यहाँ पे योगदान दिया गया था। और साथ ही साथ किसका योगदान था, पंडित जेएल नेहरू साहब का, इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा मिल करके क्या किया गया था, हिंदू को जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसको कोडिफाइड किया गया था। और हिंदू को जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसको कोडिफाइड करना उस समय इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये धर्म से मामला जुड़ा था, और जो मामला हमारे धर्म से जुड़ा होता है उसमें हस्तक्षेप करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसमें हाथ डाला गया और हिंदू मैरिज एक्ट को 1955 में कोडिफाई कर दिया गया। और उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये कब कोडिफिकेशन किया गया था, तो ये 1955 में किया गया था हिंदू मैरिज एक्ट का कोडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे देता है इफ पार्टीज टू द हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर द मैरिज इज, अगर पार्टी जो होती है वो सपिंडा होती है मीन्स कि एक दूसरे के सपिंड होते हैं, तो इस प्रकार का विवाह क्या होता है, जब सपिंड में कोई शादियाँ होती है तो उस शादियों को हम लोग क्या करते हैं, शून्य घोषित कर देते हैं, क्योंकि पिता के तरफ से 5 पीढ़ी होता है और माता के तरफ से 3 पीढ़ी होता है। ये क्या होता है, ये सपिंडा रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप में आपको नहीं आना चाहिए। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे साथियों, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक ग्राउंड दिया है, उन ग्राउंड में आपको फॉल नहीं कर रहे हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अगर आप उस ग्राउंड में फॉल कर रहे हैं तो आप शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंडीशन से बताया गया कि किस किस कंडीशन में आप शादी कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 5 को पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन नंबर 24 में बात कर रहा है हिंदू डाइज इंटरेस्टेड लिविंग बिहाइंड टू सन्स वन डॉटर वन वीडो हिज प्रॉपर्टी शैल बी डिवॉल्व टू, मीन्स कि एक हिंदू जो निर्वसीयती मर जाता है मीन्स कि बिना इंटर स्टेट किए हुए मर जाता है, तो वो अपने पीछे किसको छोड़ जाता है, दो बच्चों को छोड़ जाता है, एक पुत्री को छोड़ जाता है, और एक अपने पीछे किसको छोड़ जाता है, अपनी विधवा वाइफ को छोड़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस प्रकार कोई छोड़ करके चला जाता है तो प्रॉपर्टी किसमें जाएगी, तो दोस्तों जो प्रॉपर्टी पहले जाएगी वो उसके पुत्र में जाएगी, फिर पुत्री में जाएगी, और फिर विधवा सभी को मीन्स कि जो विधवा है उसकी विधवा पत्नी को वहाँ पर प्रॉपर्टीज में हिस्सा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में, यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जा रही है, जो कि 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट को भी पारित कर दिया गया था, और उसी हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा
कोपार्सनी जो कोपार्सनरी संपत्ति में अपना हित व्ययन डिस्पोज कर सकता है, कैसे कर सकता है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, अंडर सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अ हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन अब मिताक्षरा कोपार्सनरीज प्रॉपर्टी बाय। अब किस तरह से मिताक्षरा विधि के अंतर्गत अपने प्रॉपर्टी को वो कर सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे वो विल बना करके वसीयत बना करके कर सकता है। दोस्तों थोड़ा सा आज मेरा गला ख़राब है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभार खांसी आ जा रही है, तो उसी से दिक्कत हो रही है आपको, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। अ पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग टू एनी प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिजीजेस डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी इज प्रोवाइडेड अंडर। तो ये कहाँ पे बताया गया है, ये किसके द्वारा बताया गया है। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए, एक व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से किसी बीमार अंगहीनता या अंग्रवकरता के आधार पर अयोग्य नहीं करता उपबंध किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो धारा 28 के अंतर्गत में किया गया है, मीन्स कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया गया, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हस्बैंड एंड वाइफ में फाइल अ पिटीशन ऑफ डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से कहाँ पे किया जा सकता है, तो साथियों ये क्वेश्चन का तो आंसर आप सभी लोगों को लर्न होगा, ये कहाँ पे होता है, तो ये 13B में होता है। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे 13B एक सेक्शन दिया हुआ है, और उसी 13B में क्या होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल होता है कि भाई हम दोनों लोग क्या हैं, सहमत हैं, हम भी इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये भी हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम दोनों लोग आपसी सहमति से क्या करते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर पिटीशन फाइल किया जाएगा तो धारा 13B के अकॉर्डिंग ही पिटीशन फाइल किया जाएगा म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं साथियों। देखिए कह रहा है आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धांत थ्योरी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में समाविष्ट किया गया था। अब ये कब किया गया था, अब देखिए ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये मीन्स कि हिंदू मैरिज एक्ट में था नहीं, 1955 में जब बना था साथियों, इसको कब डाला गया था, तो ये 1976 का अमेंडमेंट करके यहाँ पे 13B डाला गया। अगर ओरिजिनली रहता तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का बी और किसी भी प्रकार का ए नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ 13 रहता, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको अमेंड किया गया था। अब कब किया गया था, 1976 में इसको अमेंड किया गया था, और उसी अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको क्या किया गया था, इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था, इसीलिए बताया जा रहा। क्वेश्चन भी पूछ लिया, 13B से भी क्वेश्चन पूछ लिया, और ये भी पूछ लिया कि कब उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप पेपर जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होता है, और एक जो एग्जामिनर का जो माइंड सेट होता है वो भी आपको पता चलता है कि हाँ जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहता है, किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस अंडरस्टैंडिंग का वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। अंडर द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंटाइटल्ड टू एडॉप्ट, इसके अंतर्गत कौन इंटाइटल नहीं होता है एडॉप्ट करने के लिए। अब हिंदी में क्वेश्चन देखिए, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से कौन गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है, तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, कौन यहाँ पे अधिकृत नहीं है, तो यहाँ पे जो डी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, हस्बैंड वाइफ कंसेंट ऑफ वाइफ, यही इसके लिए अधिकृत नहीं होता है। पति बिना पत्नी की सहमति के यहाँ पे वो उसको किसी को गोद नहीं ले सकती है। क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं, अ हिंदू मेल ऑफ 28 ईयर ऑफ एज एडॉप्टेड अ फीमेल चिल्ड्रेन ऑफ 13 ईयर ऑफ एज द एडॉप्टेशन इज। अगर इस प्रकार का कोई एडॉप्टेशन होता है तो ये एडॉप्टेशन क्या होता है साथियों, इस प्रकार का एडॉप्टेशन जो होता है वो वाइड होता है, शून्य होता है। इसलिए शून्य होता है क्योंकि साथियों यहाँ पे पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 21 ईयर का डिफरेंस होता है तभी कोई मेल भी किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है, चाहे कोई फीमेल भी किसी को अडॉप्ट कर सकता है। अगर 21 साल से कम है, अगर एज डिफरेंस मीन्स कि अगर मेल अडॉप्ट कर रहा है तो 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए किसी फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, अगर कोई फीमेल किसी भी मेल को अडॉप्ट कर रही है तो यहाँ पे भी 21 साल का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर 21 साल का डिफरेंस नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, अगर अडॉप्ट भी करता है तो वो क्या माना जाएगा, वो बड़ा सा शून्य मीन्स कि वर्ड माना जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्स किसको माना गया है मुस्लिम लॉ में,
चार पांच चीज़ों को बताया गया है कि किसको प्राइमरी सोर्स माना गया है, किसको सेकेंडरी सोर्स माना गया है। तो इसमें जो सेकेंडरी सोर्स है साथियों, ये जो कस्टम है यही आपका सेकेंडरी सोर्स माना गया है। जो प्राइमरी सोर्स है इसमें इजमा है, कियास है, इन दोनों को क्या माना गया है, चार चीज़ें हैं, चारों चीज़ों को प्राइमरी सोर्सेस माना गया है और ये जो है कस्टम जो है इसको सेकेंडरी सोर्सेस माना गया। किस लॉ में माना गया? तो साथियों जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसको द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। किसको? रूढ़ी को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस द एप्लीकेशंस ऑफ द मुस्लिम लॉ। जो निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है, मीन्स कि लागू होने को संशोधित करता है। तो जो 32 का आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा, ये वो यहाँ पे डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है। अब ऑल ऑफ द एबव में क्या कहता है? द मुस्लिम मैरिज रिजोल्यूशन एक्ट 1939 की बात करता है, द मुस्लिम वुमेन प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 की बात करता है, और फिर जो शरीयत एक्ट है 1937 का इसकी बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है? मुस्लिम विधि को लागू होने के लिए संशोधित कौन कौन कर सकता है? तो जब मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 आया था ये बात करता है, फिर मुस्लिम स्त्री प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवोर्स अधिनियम 1986 जो आया था ये कर सकता है, फिर शरीयत अधिनियम 1937 आया था, उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कर रहा है हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। किसके द्वारा सर्वप्रथम कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला होगा, इमाम अबू हनफी जो ये स्कूल है, यही अबू हनफी स्कूल के द्वारा इसको क्या किया गया था, जो अबू हनीफा स्कूल था इसी अबू हनीफा स्कूल के द्वारा इसको पहली बार लागू किया गया था। किसको लागू किया गया था? तो ये जो सर्वप्रथम जो कियास था इसको इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी ऑफ मैरिज के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे कॉन्सैंग्विनिटी की बात करता है, एफिनिटी की बात करता है और फॉस्टरेज की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह के लिए पूर्ण अक्षमता इनकैपेसिटी है? रक्त संबंध है, वैवाहिक संबंध है और धात्रे संबंध है, उपरोक्त सभी यहाँ पे जो होगा ये करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं साथियों, एक मुसलमान चार से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता, यदि एक मुसलमान पांचवा शादी करेगा तो वो शादी क्या होगा? अगर इस प्रकार का कोई कंडीशन हो जा रहा है, चार कर लिया अगर पांचवा कर रहा है तो इस शादी को क्या किया जाएगा? यहाँ पे इस शादी को इररेगुलर कहा जाएगा, अनियमित शादी कहा जाएगा। आपको ये बात समझ में आ जाएगी, इस शादी को इररेगुलर कहा जाएगा, अनियमित शादी कहा जाएगा। मीन्स कि एक मुस्लिम चार शादी कर सकता है, पांचवा शादी करेगा तो उसको अनियमित कहा जाएगा, उसको इररेगुलर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमेन, जब डाइवोर्स हो जाता है तो उसमें के बाद मुस्लिम वुमेन क्या कर सकती है? कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, मीन्स कि वो इद्दत के बाद ही कुछ कर तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला इद्दत पूर्व करने के पश्चात ही शादी कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है, ये बात यहाँ पे बता दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं साथियों इसमें क्या कर रहा है, हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी। देखिए इसी प्रकार के इसी लेवल का इसी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, जो हिंदू एक्ट से पूछा जा रहा है, जो मुस्लिम एक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन सिया मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो ये 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसमें सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो विटनेस इज रिक्वायर्ड, मीन्स कि सिया विधि में किसी भी प्रकार के विटनेस की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सुन्नी विधि की बात करते हैं तो साथियों सुन्नी विधि में आपको विटनेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिया विधि में कोई गवाह की जरूरत यहां पे नहीं होती है, यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइफ राइट व्हेन द हस्बैंड डज नॉट पे डावर। अगर डावर नहीं पे किया जाता है हस्बैंड के द्वारा तो महिला जो है वो क्या कर सकती है? तो ऑल ऑफ द एबव कर सकती है, क्या कर सकती है? रिफ्यूज कंज्यूमेशन, मींस कि कंज्यूमेशन से वो रिफ्यूज कर सकती है, फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर यहां पे कर सकती है, और कीप पोजीशन ओवर डेथ हस्बैंड प्रॉपर्टी, और जो अगर पति मर जाता है तो उसके प्रॉपर्टी पे क्या कर सकती है? कब्जा बना करके रख सकती है। यही बात हिंदी में भी देख लीजिए, एक पत्नी का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? जब उसका पति मेहर देने से मना कर देता है, शादी की पूर्वावस्था मीन्स की कंज्यूमेशन से मना कर सकती है, मेहर वसूल के लिए दावा कर सकती है, और ये अगर मेहर वसूल के लिए दावा कर सकती है तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है एक्सनेबल क्लेम, हम पढ़ने को हमको मिलता है जब हम टीपी एक्ट पढ़ते हैं,
कहाँ से, सेक्शन नंबर 130 से लेकर के 137 के बीच में हमको देखने को मिलता है। जो मेहर हमारा वो होता है, क्या होता है वो, एक प्रकार का एक्सनेबल क्लेम होता है, वो अनुयोज्य दावा होता है, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मृतक पति के संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकती है, उपरोक्त सभी चीज़ कर सकती है अगर उसका मेहर नहीं दिया गया है, क्योंकि मेहर एक प्रकार का क्या होता है, उसके ऊपर क्लेम होता है, एक लाइबिलिटी होती है किसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, कि वाइफ को उसको मेहर पेड करना है जब वो मेहर मांगती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन की राइट के बारे में बात कर रहा है। हक सुफा का अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है, जो हक सुफा का अधिकार है इस अधिकार को किस प्रकार का अधिकार के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों जो 39 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, और बी वाले में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की अपेक्षा वसीयत, जो प्रिफरेंस से संपत्ति क्रय करने का अधिकार है, और राइट टू परचेस प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंसेस टू अदर पर्संस के बारे में बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं, इसमें कह रहा है कस्टडी ऑफ इलिजिटिमेट चिल्ड्रेन बिलोंग्स टू, जो इलिजिटिमेट चिल्ड्रेन होते हैं, जो अवैध संतान की अभिरक्षक कस्टडी होती है, तो जो अवैध संतान की जो कस्टडी होती है साथियों, ये किसके पास होती है, तो यहाँ पर 40 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ये माता के पास उसकी कस्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे तो हमको देखने के लिए मिलता है संपत्ति अंतरण अधिनियम की, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है। अब कौन सी जो धारा है वो संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश में जो कह रहा है साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द टीपी एक्ट मीन्स की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो साथियों आप सभी को पता है कि सेक्शन 5 में ही बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 2 में कुछ बताया नहीं गया है, सेक्शन 3 में हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज है, सेक्शन 4 में भी हमारे लिए कुछ खास नहीं है, हमारा जो सेक्शन 5 है इसी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। ठीक, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं, द टीपी एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रवर्तन में आया था, तो ये कब आया था साथियों, तो इसका आने का जो डेट था वो आपका 42 का जो है वो ए वाला करेक्ट आंसर है, 1 जुलाई 1882 को ये मींस की प्रवर्तन में आ गया था, फोर्स में आ गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं, द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टीज़, जो गिफ्ट होता है फ्यूचर प्रॉपर्टी का वो क्या होता है साथियों, इस प्रकार का जो गिफ्ट होता है इस गिफ्ट को हम लोग वाइड गिफ्ट कहते हैं, भविष्य की संपत्ति का दान जो होता है वो शून्य होता है, ये वाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं, इन केस ऑफ गिफ्ट इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस देन, गिफ्ट क्या हो जाएगा, दान के मामले में यदि दान ग्रहीता की मृत्यु दान की स्वीकृति से पहले हो जाए, तब अगर दान लेने से स्वीकृत करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस प्रकार की मृत्यु को, उस प्रकार के गिफ्ट को क्या करेंगे, जो गिफ्ट होगा साथियों वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, वो गिफ्ट दान जो होगा वो दान शून्य हो जाएगा, यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करते हैं, एन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर मीन्स कि एक अजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण पर निहित हित प्राप्त करता है, निहित हित जो होता है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कब प्राप्त करता है, इमीडिएटली ऑन बर्थ, जैसे ही उसका बर्थ होता है वैसे ही उसमें क्या हो जाता है, उसके अंदर वो वेस्टेड हो जाती है प्रॉपर्टी, जन्म लेते ही तुरंत उसके अंदर क्या हो जाती है, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर वेस्टेड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज डज नॉट रिक्वायर राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बंधकों में से कौन से बंधक का न तो लिखित तो होना न पंजीकरण होना जरूरी है। तो अब कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका न लिखित होना न पंजीकरण होना जरूरी है, तो साथियों इस प्रकार के बंधकों को हम लोग कहते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टू द टाइटल डीड्स के बारे में बात करते हैं। स्वत्व के दस्तावेज को जमा करने का किया गया बंधक, इसी को, इसके लिए ना लिखने की जरूरत होती है ना पढ़ने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं, द रूल्स अगेन परपेचुटी इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर सेक्शन मीन्स की शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम बताया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम की, किस धारा के अंतर्गत ये फॉल कर रहा है, तो साथियों ये जो फॉल कर रहा है वो सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत फॉल कर रहा है, क्योंकि परपेचुटी की बात कर रहा है, और परपेचुटी की बात अगर हम करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 14 में ही हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 48, द प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस इम्बॉडीज इन सेक्शन नंबर 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर्टेन टू,
जो 48 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में उल्लिखित लंबित वाद का सिद्धांत संबंधित है किससे? लोक निहिति में संबंधित है, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिविंग पर्सन इंक्लूड, जो लिविंग पर्सन होता है इसके अंतर्गत कौन इंक्लूड होता है? तो ए वाला इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। कंपनी और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा है, मीन्स कि कंपनी या व्यक्ति का संघ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है द टर्म सेल इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज डिफाइंड इन, जो टर्म सेल जो टर्मिनोलॉजी है किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया? तो साथियों आपको यहाँ पर देख करके पता चल रहा होगा कि इस प्रकार के टर्मिनोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बात डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 54 में। शब्द विक्रय को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इक्विटीज, जो प्राइमरी सोर्स होता है किसका? इक्विटी का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो क्या होता है? वो अंतःकरण होता है, वो कंसाइंस होता है। साम्य का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? अंतःकरण होता है, और उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। जो इंग्लिश रूल ऑफ इक्विटी है, जो इंग्लिश रूल होता है किसका? इक्विटी का जो इंग्लिश रूल होता है उसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 52। साम्य के अंग्रेजी नियम को हम क्या कहते हैं? तो जो साम्य के अंग्रेजी नियम होते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 52 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दे रहा है भारतीय विधायिका द्वारा सार्वभूत रूप से सम्मिलित किया गया है, उसी के बारे में बात कर रहा है। सब्सटेंटली इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करते हैं साथियों। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी ऑन वन हैंड एंड द टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑन द अदर, द कोर्ट सेल एक तरफ साम्य और दूसरी तरफ विधि के पाठ में विरोध होने पर न्यायालय क्या कर सकता है? किस प्रकार का निर्णय लेगा? तो साथियों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा चूज लॉ, मीन्स की विधि को चुनेगा, विधि और किस प्रकार की विधि को चुनेगा और वो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, चार स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट साथियों करेक्ट है? तो साथियों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। एक वादा करने वाला सामयिक उपचारों का आधिकारिक रूप से दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये उपचार न्यायालय के स्वविवेक हैं। अ लाइटेंट कैन नॉट सीक इक्विटी रेमेडीज एज अ मैटर ऑफ राइट एज सच रेमेडीज आर एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये डिस्क्रिशन के बारे में बात कर रहा है, किसके डिस्क्रिशन के बारे में? हमारे और आपके डिस्क्रिशन के बारे में नहीं, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टी ओरिजिनेटेड इज, ये किसके द्वारा ओरिजिनेटेड किया गया? तो दोस्तों ये इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है और ये इंग्लैंड के द्वारा ओरिजिनेटेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं, द पर्सन नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट इज, जो नॉट नेसेसरी होता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के लिए। 56 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहां पे सी वाला होगा। लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, मींस कि विधिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर रहा है, उसी से ये रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 57 में, तो क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है अ ट्रस्टी क्रिएट बाय द विल ऑफ टेस्टरेटर मे बी रिवॉक्ड बाई हिम एट हिज प्लेजर की बात कर रहा है। जो 57 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इन केस ऑफ पर्सन्स गवर्न्ड बाई द हिंदू मैरिज एक्ट बाई द मैरिज ऑफ द टेस्टरेटर के बारे में बात कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के मामले में जो हिंदू विवाह अधिनियम में शासित हो वसीयतकर्ता की शहीद की शादी होने पर, मीन्स की अगर उसकी शादी हो जाती है तो ये बात लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं, ए ट्रस्टी इज नॉन एग्जीक्यूटेड, जो ट्रस्टी होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। वेदर द ट्रस्टी हैव ट्रांसफर्ड देयर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जहां न्यायसियों ने अपने हित का अंतरण कर दिया हो उसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ यथोचित अनुपात अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत यथोचित अनुपात स्वीकृति नहीं किया जा सकता है। जो 59 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो ए वाला होगा। देयर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है, यदि कोई पूर्ण संविदा नहीं है तब ये बात कर रहा है, उसके अलावा नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं साथियों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इसका मतलब क्या होता है? तो जो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो
ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दे रहा है एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेपुलेशंस के बारे में बात कर रहा है, मीन्स कि संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी वास्तविक क्रिया नवीनति के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम, जब प्रपोजल एक प्रस्ताव स्वीकृति हो जाता है हो जाने पर हो जाता है अब क्या हो जाता है, तो जो 61 का आपका करेक्ट आंसर है साथियों वो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2 बी के अंतर्गत ये हो जाता है, वचन अंतर्गत आता है धारा बी के अंतर्गत, 2B के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट ऑफ द अदर इस कार्ड, एक करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो न कि दूसरे पक्षकार की इच्छा पर कहलाता है, अब इसको क्या कहा जा सकता है, जो 62 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो 62 का आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहता है, एक शून्यकरणीय संविदा इसको हम लोग कहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करते हैं साथियों, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो इट लेड डाउन इन विच केस लॉ, एक नाबालिग के द्वारा की गई संविदा पूर्ण रूप से शून्य है यह प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों अगर इसके बारे में हम बात करते हैं किस केस में प्रतिपादित किया गया था, तो जो लालमन शुक्ला का केस आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 63 का आपका जो सी वाला करेक्ट आंसर है, मोहरी लालमन मीन्स की मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का घोष का जो केस था उसी के केस के अंतर्गत बताया गया था कि जो माइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ में, वो माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट क्रिएशन और नॉट कैपेबल ऑफ सर्टेनिटी इज, 64 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये वॉइडेबिलिटीज की बात करता है, वह करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है तो क्या होगा, ये शून्य होगा। जब हम सेक्शन नंबर 24 से लेकर के 30 तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कौन कौन सा करार हमारा क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइड हैव इनिशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करते हैं, गुड्स डिस्प्ले इन द शोकेस ऑफ द शॉप विथ प्राइस टैग इस, इसको क्या कहा जाता है, जो 65 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी होगा, इनविटेशन टू ऑफर कहा जाएगा, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं, एन एग्रीमेंट इस कनेक्शन विथ हॉर्सेज रेसिंग अंडर सेक्शन 30, इसको क्या कहा जाएगा, जो 66 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये इस प्रकार का वैलिड माना जाता है, सेक्शन नंबर 24 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 के बीच में भी फॉल करता है फिर भी यहाँ पे क्या माना जाता है, इसको वैलिड माना जाता है क्योंकि वहाँ पे ये एक्सेप्शन के तौर पे काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इस क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 67 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा साथियों, ये वॉइड कहा जाता है, कुंवारा रहने के लिए किया गया करार क्या हो जाता है, शून्य माना जाता है, इस प्रकार का कोई भी करार नहीं किया जा सकता है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज, जो 69 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 18 ईयर दिए रहा है, जब वो पर्पस मेजोरिटी एज पूरा कर लेगा तभी वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वयस्क की आयु संविदा अधिनियम के अधीन 18 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं, अ सम फिक्स्ड बिफोर हैंड एज अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, संविदा भंग होने की स्थिति में पहले से ही निश्चित संविदा भंग के लिए दिए गए मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि कहलाती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मीन्स कि इसको निर्धारित नुकसानी कहा जाता है और जुर्माना कहा जाता है, मीन्स कि लिक्विटेबल डैमेजेस और पेनल्टी कहा जा सकता है, इसको सी इसका जो होगा, इधर ए और बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं, ए एग्रीज टू पे 1000 टू बी विथ कंसेंट द एग्रीमेंट इज, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा उसको क्या कहा जाएगा, जो 71 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो बी होगा, ये यहाँ पे वॉइड होगा मीन्स कि शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे 72 वाले में कह रहा है, When the consent of the contract is caused by the coercion, the contract under section 19 is, ये जो इसके अंतर्गत contract होगा section 92 के अंतर्गत, वो section 19 के अंतर्गत ये किस प्रकार का contract होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द साथियों voidable की बात करता है और ये शून्यकरणीयता की बात करता है, जब संविदा के लिए सहमति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई हो तो संविदा धारा 19 के अंतर्गत क्या होगा, शून्यकरणीय होगा, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं, When both the parties
टू एग्रीमेंट्स आर एट मिस्टेक रिगार्डिंग फैक्ट द एग्रीमेंट वेर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, जब करार के दोनों पक्षकार तथ्य संबंधी बातों पर भूल में हो तब करार क्या कहलाता है। जो 73 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ये शून्य होगा, इसको शून्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करते हैं, ए एग्रीज विथ बी टू ट्रैक आउट सीक्रेट मनी फॉर हिम बाय द वे ऑफ मैजिक। द एग्रीमेंट इज, जो 74 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, इसको वॉइड हम लोग कहते हैं और उसी वॉइडेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं, ए इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ बी इन दिस बी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड ए कैन नाउ, मीन्स की जो 75 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा है, मीन्स कि संविदा का विखंडन कर सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयर इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात कर रहा है। हु हैज़ गिवन टू दी एबव डेफिनेशन ऑफ टॉट, अपकृत्य एक दीवानी दोष है जिसका उपचार सामान्य विधि के अनुसार निर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है जो और एकमात्र न्याय भंग या अन्य किसी सामयिक आभार का उल्लंघन मात्र नहीं है। अपकृत्य की यह परिभाषा किसने दी है, तो जो 76 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला होगा, ये सैलमंड महोदय के द्वारा ये क्या दिया गया है, ये डेफिनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करते हैं, द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉट इज टूवर्ड्स, मीन्स कि जो 77 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे वो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, द वर्ल्ड एट लार्ज के बारे में बात करता है, मीन्स कि सारे विश्व के प्रति अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व होता है, पूरे सारे विश्व के प्रति दायित्व होता है, किसमें, जब हम टॉट की बात करते हैं, क्योंकि अपकृत्य विधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सिविल लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट, अगर टॉट कॉन्स्टिट्यूट होता है 78 की बात अगर हम करते हैं तो 78 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी होगा, ए वाले में बात कर रहा है देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन, और जो सेकेंड में बात कर रहा है द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ लीगल राइट एंड वेस्टेड इन द प्लेंटिफ के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, एन इनविटेबल एक्सीडेंट, मीन्स जो इनविटेबल एक्सीडेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, जो 79 का आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा 79 का तो वो आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, एन इनविटेबल एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड के बारे में बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है, अ म्यूजिक टीचर कम्युनिकेटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ माइनर गर्ल्स हैविंग ऑब्टेनिंग हर कंसेंट ऑन द प्रिटेक्स दैट द सेम इज द रिक्वायर टू इम्प्रूव हर वॉइस वॉज हैड गिल्टी ऑफ रेप इन, किस केस में बताया गया, किस तरह से बताया गया है, तो ये बताया गया है जब क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा जो होगा वो डी आर वर्सेस विल्सन के अंतर्गत ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं साथियों, द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल वेन देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन, 81 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे वो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, अब डी वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। मीन्स कि दोस्तों इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन आ पा रहा था इस पीडीएफ में और ये आंसर है, मीन्स कि हमने 80 क्वेश्चन तक किया है, अब 81 क्वेश्चन से जो पार्ट हम सेकंड लेकर आएंगे उसमें मैं आपको 81 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो रहा है 150 जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं इस पार्ट में कवर करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।